डाल देंगे। इतना गजब का स्वाद आ रहा है ना, पहाड़ी गर्मा गर्म कफला भात बनके रेडी हो चुका है ना। एक दो नींबू नहीं, ढेर सारे नींबू लग रखे हैं। और पहाड़ी कढ़ाई होती है ना, वो पूरी काली होती है क्योंकि इसको हम हमेशा चूल्हे में के लिए ही रखते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में और साक्षी नेगी ब्लॉग्स में। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 11 बजे से। आज ना मेरी शक्ल आपको थोड़ा उतरी उतरी लग रही होगी और मेरी आवाज़ भी थोड़ा अजीब सी लग रही होगी क्योंकि मेरी हो चुकी है तबीयत ख़राब। कल से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, फिर मैं आज उठी गई, मैंने बोला, और मैं ना सुबह से अब उठ रही हूँ, 10:30 बजे उठी और अभी 11 भी बज चुके हैं। सुबह सुबह तो घर का छोटा मोटा काम निपटाने के बाद मम्मी चली गई थी खेत में और अभी ना मम्मी ने मेरे को दे रखा है खाना बनाने का काम। खाना बनाने के लिए चाहिए होती हैं लकड़ियाँ, तो अभी थोड़ा पास के खेत में जा रही हूँ मैं लकड़ियाँ लेने के लिए क्योंकि लकड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म हो चुकी हैं। कि गुलाब के फूल भी बहुत ही प्यारे प्यारे खिले हुए हैं और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी हो रखे हैं। और हमने ना अपने घर के पास वाले खेत में बहुत सारे फल फ्रूट के पौधे लगा रखे हैं। तो ये है नींबू का है, संतरे का, अच्छा ये है संतरे का पौधा और उसी के थोड़ा पास में लगा रखा है हमने एक जो छोटे वाले नींबू होते हैं ना, उसका पौधा भी लग चुका है यहाँ पे। और खेत के नीचे की साइड तो ढेर सारे लाइन से ना सहतूत के पेड़ लगा रखे हैं जो कि गाय भैंसों के काम आते हैं। और यहाँ पे ना एक आम का पेड़ भी लग चुका है। अरे खेत में ना चारों तरफ ऐसे हर पेड़ पे ना नियार लगा हुआ दिखेगा, हर पेड़ पे थोड़ा थोड़ा सा लगा रखा है ताकि वो जल्दी सड़े ना। थोड़ा ही आगे आने के बाद मेरे को दिख गए यहाँ पे ढेर सारे नींबू। ये देखिए भाई, ये वाले नींबू तो आपने पहली बार देखे होंगे। अभी तो लोगों के यहाँ ना नींबू हरे हरे हैं और हमारे यहाँ पीले भी हो गई खटाई बनाने के लिए। तो अब ना कुछ टाइम बाद हम एक महीने बाद ना सबके घरों में खटाई बनाना भी स्टार्ट हो जाती है। इस पे ना एक दो नींबू नहीं, ढेर सारे नींबू लग रखे हैं और सारे ना पीले हो रखे हैं अंदर, देखो। वहीं एक दूसरा नींबू का पेड़ भी है जिसके नींबू ना बड़े ही सूखे सूखे से हो रखे हैं। हमारा घर ना इधर ही पे है और यहीं पे आके ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ जंगल में पहुँच गई मैं। और पता है यहाँ ना बाघ भी आता है, हमारे घर के पास भी बाघ आ गया, हमने भी देख लिया है बहुत बार। ना फटाफट से यहाँ से लकड़ियाँ समेट लेते हैं जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं। लकड़ियाँ तोड़नी पड़ेगी। गाइस लकड़ियाँ तो इतनी ही मिली पर कोई बात नहीं, अभी के खाने बनाने के लिए हो जाएगी और फिर शाम को ढूंढने के लिए जाएंगे। हमारे मेरे पीछे आप ये कश्मीरी लाल मिर्च देख रहे हो ना, ये गोल गोल, तो पिछली बार तो मैंने इसका अचार बनाया था और इसको सब्जी में भी डाला था, तो अब की बार मैं इसका क्या बनाऊँ कमेंट में ज़रूर बताना कि और क्या क्या चीज़ इसकी बन सकती है ना। सुबह से नाश्ता नहीं किया था तो अब अभी जाके 11 बजे नाश्ता किया है। बाकी आज ना मैं खाने में स्पेशल बनाने वाली हूँ, हरी सब्जी नहीं बनाने वाली हूँ, आज कफला भात बनाने वाली हूँ जो कि पहाड़ियों का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। अभी ना जो हरी सब्जी सकोड़े में लगाई थी वो तो बड़ी नहीं हुई, थोड़ा सी ये मिली और थोड़ा सी और सब्जी का जुगाड़ करते हैं। तो मीठे करेले होते हैं ना उसके पत्ते भी तोड़ेंगे हम थोड़ा बहुत, इनकी भी सब्जी बनती है, पकोड़े बनते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी। अभी हरी सब्जी मैं धो के ले आई हूँ और ये ना धोने के बाद इतनी सुखड़ गई, मतलब एक मुट्ठी भी पूरी नहीं है, तो सोचो बनाने के बाद कितनी सुखड़ेगी। अब ना हमको इसको बारीक बारीक काटना है और इसके पत्ते देखो। अभी करते हैं खाना बनाना स्टार्ट और सबसे अच्छी बात कि आज बहुत टाइम बाद मैं अंदर पे खाना बना रही हूँ चूल्हे में, वरना हम ज्यादातर बाहर अगेठी पे आग जला के खाना बनाते थे। तो जैसे कि अब धीरे धीरे करके ना ठंड का मौसम स्टार्ट हो रहा है तो हम ना अंदर पे आग जलाना शुरू कर देते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इन दौरी पे आग लगाऊंगी जिन पे एकदम से आग लग जाती है। करके आग भी जला दी है और अंदर पे बहुत टाइम बाद आग जलाई ना तो बड़ा ही प्यारा दिखाई दे रहा है पूरा किचन। ना मैंने चूल्हे में अच्छे से आग भी जला दी है और अब ना चूल्हे में रखेंगे हम कढ़ाई।
हमारी पहाड़ी कढ़ाई होती है ना, वो पूरी काली होती है क्योंकि इसको हम हमेशा चूल्हे में के लिए ही रखते हैं। चूल्हे की कढ़ाई हमारी अलग होती है और जो गैस की कढ़ाई होती है ना वो हमारी अलग होती है। तो कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, अब डाल देंगे हम तेल। तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब डाल देंगे हम कुछ सरसों के दाने जिसका कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ी देर में देखना ऐसे पिट पिट आवाज़ करते हैं ये। आज पता नहीं सरसों के दानों को क्या हो गया, वो आवाज़ ही नहीं कर रहे हैं, अच्छा करने लग गए। डाल देंगे हम कुछ जीरे के दाने। और आपको चूल्हे में ये आवाज़ आ रही है ना, कहा जाता है कि ये आवाज़ तब आती है जब आपके घर में ना कोई मेहमान आने वाले हो, तो पता नहीं कौन मेहमान आने वाला है। डाल देंगे हम सूखी लाल मिर्च क्योंकि ये बड़ी टेस्टी होती है भाई। एक तो चूल्हे में चली गई। तो अब बारी आ चुकी है चूल्हे में हरी सब्जी डालने की, उसके बाद जो छां आवाज आता है ना वो देखना आप। अभी बना दी है मैंने गर्मा गर्म चाय क्योंकि मम्मी खेत से आ चुकी हैं और यहाँ अंदर पे ताई जी बैठे हैं। ताई जी लो मम्मी लो, मम्मी की तो हालत खराब हो गई। मम्मी यहाँ पे ताई जी को दे रही हैं ये जो करवा चौथ का व्रत होता है ना, तो मम्मी हमेशा ताई जी को देती हैं, तो ये ताई जी के लिए इसमें सिंदूर है, बिंदी है। तो अभी ना मैंने सब्जी भी चूल्हे में रख दी और आपने देखा होगा कि सब्जी में मैंने नमक मिर्च हल्दी मसाला कुछ भी नहीं डाला है, बस नॉर्मली तेल से छौंका है। तो इसको ना अच्छे से चलाते रहेंगे कढ़ाई को और आग भी हल्की हल्की आंच रखेंगे, ढक्कन रख देते हैं ताकि अच्छे से पके। तो जब तक कि सब्जी पक रही है हम आगे की तैयारी करते हैं कि और क्या बनाना पड़ता है, क्या क्या इसमें डालना पड़ता है। तो अभी सब्जी पक रही है, तब तक के मैंने ले लिया है एक बर्तन में यहाँ पे मट्ठा। मट्ठा ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा खट्टा होगा तो मट्ठा आपको कम लेना है और इसमें पानी ज़्यादा लेना है। आटा लिया है, नमक मिर्च हल्दी पानी। तो अभी मिलाते हैं इसको और बनाते हैं घोल। सबसे पहले हम मट्ठे में डाल देंगे आटा, करने के बाद डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक, देंगे स्वाद अनुसार मिर्च, थोड़ा सी हल्दी। इसी घोल में हम डाल देंगे पानी और साथ में कड़छी को भी चलाते रहेंगे। नहीं देखे पूरी आग भी बुझ चुकी है और सब्जी भी अच्छे से पक चुकी है ना। हम इस सारी सब्जी में जो हमने ये घोल बनाया था ना इसको डाल देंगे। भाई यहाँ पे तो जल रखी है खतरनाक आग और हमारा कफला भी बनने पे लगा हुआ है और दिखने में है इतना टेस्टी दिखाई दे रहा है। मैंने ना लकड़ी बहुत ज्यादा लगा दी, पर हमको तो कम आंच में बनाना है खाना, तो अब लकड़ियाँ थोड़ा कम करते हैं। तो कफला चूल्हे में बन ही रहा है कि तब तक के ना हम भात बनाने की तैयारी भी करते हैं। तो मैं सगोड़े में आ चुकी हूँ यहाँ पे राख लेके, तो इसके बाहर ना हम राख से पूरी लिपाई कर देंगे ताकि जो ये कुकर है ना ये आग से काला ना हो। इसलिए इसमें मैंने अच्छे से चारों तरफ से लिपाई कर दी है। अब इसमें चावल रखेंगे और धूप बाहर इतनी ज्यादा हो रही है कि आंखें खुली नहीं रहे। अब देखो साग बनके भी रेडी हो चुका है, पूरी लकड़ियां भी खत्म हो चुकी हैं, तो इसको हम पीछे के चूल्हे रखेंगे। अब ना कुछ देर तक के चावल पकने का इंतजार करते हैं क्योंकि भूख भी बहुत ज्यादा लग चुकी है और पहाड़ी खाना बनाए तो लगेगी भाई भूख, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। यहाँ पे देखो हमारे यहाँ ढेर सारे मिर्च आ चुकी हैं, एक ताई और उन्हें दीजिए। चावल बनके भी रेडी हो चुके हैं और चावल को हम बोलते हैं भात, और भूख लग चुकी है बहुत ज्यादा, दिन के एक बज चुके हैं, तो खाना खाते हैं फटाफट से लगाते हैं। अभी ना टेस्टी टेस्टी पहाड़ी गर्मा गर्म कफला भात बनके रेडी हो चुका है और साथ में
करेले की सब्जी है और भुनी हुई लाल मिर्च है। लाल मिर्च का टेस्ट तो बड़ा ही गजब का आता है। मुंह में पानी आ रहा है तो गर्मा गर्म टेस्टी खाना खाते हैं। और ये ना बहुत ही सिंपल रेसिपी है, अगर आपको भी बनाना है जिनको नहीं आता तो भी एक बार बना के देखना, ऐसा स्वाद आता है क्या बताऊं। मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि खाना कैसा बना है। बहुत गर्म है भाई। इतना गजब का स्वाद आ रहा है ना, मेरे पीछे मम्मी बैठी है, कैमरे के पीछे मम्मी के मुंह में पानी आ रहा है। अभी खाते हैं भाई टेस्टी टेस्टी सा कफला भात। खाना पीना हो चुका है, मम्मी निकाल रही है यहाँ पे ना एक टमाटर की बेल है जिसपे की ढेर सारे लाल लाल टमाटर आ रहे। राधे राधे, वैसे भी लोगों को कैसे हो आप। हम निकाल रहे हैं भाई ये घरिया टमाटर, पहाड़ी बहुत अच्छे होते हैं ये, खट्टे मीठे। और जो ये बारीक वाले टमाटर होते हैं ना, ये मार्केट वाले टमाटर से ज़्यादा खट्टे होते हैं, तो इनकी ना चटनी भी बनाई जाती है बहुत ज़्यादा टेस्टी, तो वो भी एक दिन बना के दिखाऊंगी आपको। बाकी बढ़िया बात ये है कि हमारे यहाँ पहाड़ों में ना ज़्यादातर साग सब्जी घर में ही मिल जाती है, तो मार्केट से ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मम्मी गई थी खेत तो कपड़ों पर ढेर सारे कुमार लग जाते हैं, मम्मी निकालने पर लगी हुई हैं और इतना सारे कि मेरे तो सारे कपड़े वैसे ही पड़े हैं भाई कुमार निकालने के लिए। और आज है भाई दूज, तो सभी भाइयों को हैप्पी भाई दूज। और हमारे ना पहाड़ों में कम लोग मनाते हैं इस त्यौहार को, तो ऐसा क्यों मम्मी? पहले पलन से हो गया, ये करवा चौथ हो गया, भाई दूज हो गया, पहाड़ में इतने नहीं जानते भाई दूज क्या होता है। पहाड़ों में ना रक्षाबंधन ही मनाया जाता है ज्यादातर। अभी हो चुका है शाम का समय, मम्मी लगी हुई है यहाँ पे तोर की दाल कूटने पे। पहले मम्मी घास लेके आई और तोर की दाल इतनी सारी है कूटने के लिए। अभी हो चुका है रात का समय और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।